नमस्कार, क्या ये मैं आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें दिल्ली में जैसे बाढ़ आई हुई है, और दिल्ली में बाढ़ आने के बाद में जो तस्वीरें आपके मथुरा और वृंदावन की हम आपको दिखाएंगे वो दिल्ली से कम नहीं है। यहाँ पर आपको दिखा दें कि यमुना से जलस्तर जो है वो ये हम इस समय वृंदावन में है, और वृंदावन का ये हम आपको जलस्तर दिखा दें। यमुना का मेरिंग लंबाई आप देख सकते हैं कि 5 फुट 8 इंच 9 इंच के आसपास है, और मैं जो है वो अपने वक्ष के आसपास तक ऊपर नहीं गया। और ये यमुना का जहाँ तक आप ही नजर जाएगी, जहाँ तक हम देख सकते हैं, जहाँ तक आई नजर जाती है, यमुना भैया का जल्दी जल्द आपको देखने में मिलेगा। तो ये दिल्ली से छोड़ा हुआ पानी है जो कि मथुरा वृंदावन और आगरा की वो जब है पड़ रहा है, पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गांव के गाँव हम आपको बताएं कि यहाँ डूब गए हैं, और अब पूरे के पूरे गाँव डूब गए थे। मैं लोगों से जब हमने बात की तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि कई कई गांव जो है पूरे पूरे डूब गए हैं। झोपड़ियाँ झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते थे उनकी झोपड़ियाँ जो है वो बर्बाद हो गई हैं, तहस नहस हो गई हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी राहत जो है वो नहीं मिली है। हालांकि हमने कुछ समाज से भी लोगों को देखा जो कि अपने निजी व्यय पे लोगों को भोजन की व्यवस्था वो कर रहे थे, और नाव के थ्रू हम आपको बताएं कि नाव में बैठ करके वो लोग लोगों को राहत और बचाव के लिए उनके खाद्य पदार्थ जो है वो मुहैया करा रहे थे। ये यमुना मैया का जलस्तर वृंदावन के हम आपको इस समय दिखा दें, वृंदावन का केसी घाट है, और केसी घाट पर इतना जलस्तर है कि मैं 5 फुट 8-9 इंच के आसपास मेरी हाइट है। मैं आपको बताऊँ तो लगभग 6 फुट लगभग 4 फुट के आसपास मैं डूब गया हूँ पानी में। तो ये पानी में ये आप देख सकते हैं कि फिर और मेरे अन्य उंगलियाँ जो हैं वो बहती हुई नज़र आ रही है। तो ये इतना वो है वो जलस्तर बढ़ा हुआ है, ये सब दिल्ली की वजह से, और दिल्ली के बाद अब मथुरा वृंदावन की जैसे मैंने आपको बताया कि बारी है, तो अब आगरा में भी जो है वो मथुरा के बाद में शायद आगरा में भी इस तरीके के हालात दिखाई दें। फिलहाल मथुरा और वृंदावन में बाढ़ के हालात हैं।